हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बंगाली कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक एक रेसिपी, मसाला अरबी फ्राई। ये बहुत ही आसान होता है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। मसाला अरबी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें अरबी। 200 ग्राम अरबी मैंने इधर ले ली है और 3-4 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और बड़ा साइज का एक प्याज मैंने कट करके ले ली है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक पैन बिठा दिया है। पैन जब गर्म हो जाए इसमें 2 टीस्पून सरसों का ऑयल में डाल देती हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाए इसमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेती हूँ। अब मैं कटे हुए अरबी को डाल देती हूँ। और छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ और अच्छी तरह से सब चीज को मिला लेती हूँ। सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ। ये अरबी जब तक हो जाता है तब तक मैं मिक्सी जार में प्याज, अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंडर कर लेती हूँ। मैं ले ली हूँ, ग्राइंडर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है। अब मैं अरबी को उल्टा कर देती हूँ। उल्टा के दे दिया है। अभी और 5 मिनट के लिए ढक के दे देती हूँ। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। 5 मिनट हो गया है। दूसरे साइड में अभी उल्टा के दे देती हूँ। और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ। 5 मिनट हो गया है और अरबी जो है, मतलब बंगाल में इसको कोचू कहते हैं, अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और फ्राई भी हो गया है। इसको अभी एक प्लेट में उठाते हैं। अब इसी ऑयल में ग्राइंडर किया हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया मैंने, ये डाल देती हूँ। प्याज, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट में डाल दिया है। अच्छी तरह से अभी मिला लेते हैं ऑयल के साथ। गैस का फ्लेम लो रखना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ और छोटे चम्मच से आधा चम्मच चीनी डाल देती हूँ। चीनी ऑप्शनल है, आप ना भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से चीनी देने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है।
अभी एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और ये मसाला को अच्छी तरह से भून लेते हैं। और गैस हाई करके इसको लगातार हिलाते रहना है। मेरा एक मिनट हो गया है। आज अभी फ्राई किया हुआ अरबी को मैं डाल देती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से मसाला को मैंने मिला लिया है और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। 5 मिनट हो गया है। अरबी मसाला अरबी फ्राई बनके रेडी है। ये आप चावल के साथ सर्व करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मसाला अरबी बनके रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।